अभी को लगा ली जरा, स्टेरिंग को घुमा ली जरा, इंडिकेटर दे के मोड़ ले। वो लड़की ही क्या है जो बस ना चलाए, आ हाथों में तू गियर थाम ले। वो ड्राइविंग पे चांस मार ले, वो मार ले ड्राइविंग पे चांस मार ले, वो सोनी ये ड्राइविंग पे चांस मार ले। चाबी को लगा ली जरा, स्टेरिंग को घुमा ली जरा, इंडिकेटर दे के मोड़ ले। मैं ड्राइवर चांदनी, मेरी कहानी चांस मार ले। मैं बहुत डरी डरी रहती थी, कभी मैं नेहरू प्लेस से आगे कभी गई ही नहीं थी। तो मैं अभी पूरा दिल्ली राइड कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत ही प्राउड फील होता है अपने में। अभी जो बदलाव है वो मेरा ये है कि मैं अपना पढ़ाई आगे रन कर रही हूँ। मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अपने ही बल पे। आगे जो भी मेरे से सपोर्ट हो सकता है मेरी फैमिली का, वो मैं करती हूँ। पान अभी तो खाए नहीं हो? अरे यार मेरे लिए रख देना, आप लोग खा लेना ना, अभी तो ठंडा हो जाएगा। जॉब पे मैं थी नहीं, जैसे कि मतलब कभी एक महीना है किसी जॉब को कर लिया, फिर वो छूट जाता था, फिर एक दो महीने दूसरे जॉब को कर लिया। तो इस टाइम मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी कि अभी थोड़ा सा सेटल होने लग जाता है तो जॉब छूट जाती है, तो मुझे फिर और दिक्कत हो जाती। एक दिन मॉर्निंग में जब मैं ड्यूटी जा रही थी, मेरे राइट कान में ऐसे मारे तो कान पे लग गया, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। और मेरा उस पर था कि फ़ोन पे ही था। तो जब मैं उसके बाद एक दो दिन ड्यूटी गई, लेकिन धीरे धीरे मुझे क्या होने लगा, जब मैं फ़ोन कान में लगाती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे मतलब पूरा ब्रेन में ऐसे दर्द हो जाता था। तो फिर धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ, फ़ोन पे बातें कर रही हूँ, वो मैं कर नहीं पाऊँगी अब। तो फिर एंड में मैंने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं ऐसे बैठी हुई थी, कोई जॉब नहीं थी, काफ़ी परेशान थी कुछ, तो उसके बाद जो मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया आज़ाद फाउंडेशन के बारे में। वो सीख रही थी उस टाइम, सीख रही थी क्या, सीख चुकी थी वो, ड्राइव गाड़ी भी चला रही थी। तो जब मैंने उसको देखा गाड़ी चलाते हुए, जब वो उसके हाथ में चाबी है कार की और वो गाड़ी चला रही है, तो मुझे उसको देख के काफ़ी मतलब उत्सुक हुई कि मैंने कहा मैं भी करूँगी। कि फिर उसके बाद मैंने आज़ाद ज्वाइन कर दिया। जब मैंने आज़ाद ज्वाइन किया तो उसमें काफ़ी तरह के ट्रेनिंग्स थे, जैसे कि सेल्फ डिफेंस का और कम्युनिकेशन का, फिर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी बताया गया। फिर उसके बाद जो लॉस, जो महिलाओं को कितने मतलब किस तरीके के लॉस में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जब समझाया गया, तो जब मैंने वो क्लास दिया लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब अपने आप को देख रही थी मैं उस टाइम। मुझे लग रहा था कि मैंने मतलब अपने आप के ऊपर कितना अत्याचार किया हुआ। बहुत उन्होंने मारपीट भी की मैंने भी, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि अपने आप ही घर से निकल गया। मेरे तरफ से मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी परेशान थे, काफ़ी बच्चों को भी मारना पीटना ही, तो बच्चे भी काफ़ी परेशान थे। तो जब वो चले गए तो बच्चे भी ऐसे लगे जैसे कि आज़ाद हो गए जिस तरीके से ना। तो छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं, गीतों में जिंदगी है, चाहत है प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें न तू मिले, ये खोले होठ मैंने अब तक दे जो सिले। बेवकूफ लोग करते हैं, दबाव कम है।
जो औरत की इज्जत नहीं करेगा उसको कहीं इज्जत नहीं करेगा। अब दिक्कत हो बच्चों की देखने की यहाँ पे घर पे, कौन देखे बच्चे, मुझे भी काम करना है। तो फिर मैंने काम चेंज कर दिया। चीजें ऐसी हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं होगी। सीधा दीक्षित को पकड़ा हुआ है और तब मेरी फोटो है, ऐसे कर सकते हैं? दूर से भी देखने को नहीं मिलेगा सीधा दीक्षित। बदलपुर तक तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, जो मोहन स्टेट है ना उससे आगे है सर। मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। गोमन डे पे भी मेरी फिल्म बनी हुई है, पर्सनल उन्होंने बनाई थी। मैंने तो अभी जो भी हो रहा है मेरा, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर इन लॉ सारे, और कंपनी का भी पूरा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो मुझे ड्यूटी कम देते थे, हाफ ड्यूटी होती थी और एक नॉर्मल ड्यूटी होती थी। जैसे आजकल मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह से कुछ नहीं होता, मतलब आधी ड्यूटी होती थी और 7 महीने मैंने पूरी अच्छे से काम किया, अपनी ड्यूटी को पूरा अच्छे से किया। और अभी भी होने के बाद भी मेरा सिजेरियन हुआ, सिजेरियन होने के बाद भी मैं ड्यूटी पे कर रही हूँ, और जो हमारी मैम है वो मुझे अच्छी ड्यूटी देती है, जो मेरे को बच्चे को भी टाइम मिल जाता है और मैं ड्यूटी भी करती हूँ। मजाक करते हो तो उस्ताद सुनते हैं, बोलते हैं कि उनका नहीं था कि मैं खुशी के होते हुए पर खुशी है घर में, तो कोई टेंशन ही नहीं है घर में। मुझे लगता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, मुझे तो यही लगता है मेरे पास बेटे ही। मैं समझती नहीं, हम लोग नहीं समझते कि बेटी है, हम बेटे ही समझते। एक नहीं, मैं सोचती मेरे 5 बेटे हैं, बेटा ही मेरा पढ़ा नहीं जाता है। मैंने अभी उसको लैपटॉप दिया है। अच्छा, हाँ, अभी ऑपरेशन हुआ मेरा फरवरी में, 20 फरवरी को हुआ था। 35,000 रुपये वहाँ टोटली जमा हुआ, तो मेरी लड़की ने ला कर दिया, कहने लगी कोई बात नहीं करवा लो। बहुत प्रॉब्लम में थे हम लोग जब यहाँ आए थे। मैंने काम किया, एक कोठी में काम किया था पहले, झाड़ू पोछा ये सब। तो उसके बाद मुझे एक हमशीरा नाम की लेडी ने बताया, वो हमारे वहाँ का आज़ाद फाउंडेशन में फर्स्ट बैच में थी वो। तो उन्होंने मेरी मामी को बताया था कि ऐसा ऐसे ड्राइविंग के लिए, तो उन्होंने बोला मेरी भांजी सीख लेंगे, तो उन्होंने मेरे को बताया। तो मतलब मैं गई अपने NGO में, तब मैंने सीखा। और मतलब उससे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी घर में, बहुत सारी आई, मतलब तब मैं जहाँ वहाँ पर नहीं गई थी, उसके बाद गई, मैंने सीखा। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती है उनकी तरफ से, और मारुति ड्राइविंग स्कूल में, और फर्स्ट एड का, और काफ़ी सारा मतलब यही। उसके बाद मेरा प्राइवेट लाइसेंस बना, फिर मेरी वसंत विहार में जॉब लगी। अब तक उनके बर्तन धो के उनका काम करती रहेंगी मतलब, और जब ये काम करेंगे तो एक अपना हाथ का हुनर होगा, वो रिस्पेक्ट नहीं है जितना इस काम में जो मैं कर रही हूँ। मतलब अब
गाड़ी में चलाती हूँ तो मतलब अच्छी फीलिंग्स आती है दिल में कि मतलब मैं अपना घर वालों की और अच्छे से हेल्प कर पा रही हूँ जब से सखा कैब चलाने लगी हूँ। हाँ, अब कोई रास्ता मिल गया अच्छा सा जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अपना घर बनवाऊंगी, मेरा घर मतलब मकान की पर्ची मतलब गिरवी रख के बनाए मेरा फीवी, तो मैं अपना मकान कर्ज पे जो पर्ची है उसको छुड़ाऊंगी। मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मैं खुद अपने ऊपर निर्भर होना चाहती हूँ। प्रॉब्लम में हार मानने की वो नहीं है, प्रॉब्लम को जितना हम कोशिश करेंगे सुधारने की तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें बच्चे पर विश्वास है, हमें बच्चे दिल के सच्चा करके आते हैं जाते हैं। एक्सक्यूज मी अंकल जी, अलीगांव कहाँ पर होगा? अलीगांव जाना है, अलीगांव जाना है। बेटे इधर से जाओ, वहाँ से बराबर।